नमस्कार दोस्तों, आप लोग इंजीनियरिंग एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लाए हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें से हर टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आज हम डिस्कशन करेंगे, उसका टाइप्स क्या है, मेथड का यूजेस कैसे करते हैं, सब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन एक मेथड है जो प्रेगनेंसी के प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक इंक्लूड से टेंपरेरी और परमानेंट मेथड है जो प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी। यूज करने से प्रेगनेंसी प्रिवेंट होता है क्वार्टर लाइफ के टाइम, उसके वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट होता है मेनली। और एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन होने का मतलब ये क्या है, कौन सी एक कॉन्सेप्शन को हम आइडियल बोलेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होने से हम लोग उसे आइडियल कॉन्सेप्शन बोलेंगे। आइडियल हाईली इफेक्टिव होना चाहिए। सुपरविजन की जरूरत नहीं है, मेडिकल सुपरविजन। ये सब अगर प्रेजेंट रहेगा तो कैरेक्टरिस्टिक वो हम बोलेंगे वो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन है। जैसे कि हम लोग एक मोबाइल खरीदते हैं, उसका रैम कितना है, रोम कितना है, उसका मतलब फीचर्स क्या है, देख के खरीदते हैं, वो आइडियल होगा आपके लिए। ऐसे ही कॉन्ट्रासेप्शन एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन का ऐसे ही कैरेक्टर से होने से आप लोग बोलेंगे एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन का फेलोअर रेट कितना है, वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंटल फ्रीक्वेंसी इनटू 1200 बाय नंबर ऑफ पेशेंट सुपरविजन।
इसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एक्सटर्नल प्रेगनेंसी इनटू 12,000 इनटू बाय नंबर ऑफ पेशेंट सुपरविजन, कितना पेशेंट के मतलब सुपरविजन के हम रखेंगे वो रहेगा, इनटू कितना मात्रा का हम सुपरविजन यूज किए थे उसके बाद वो एक्सटर्नल प्रेगनेंट हो गया वो रहेगा। इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि एक कॉन्ट्रासेप्शन का फेलियर रेट कितना है। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर। अब हम देखेंगे एलिजिबल कप जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया कर सकता है। ठीक है, एलिजिबल कप एज कितना होना चाहिए, 50 to 49 यस अंदर होगा तो आप बोलेंगे एलिजिबल कप और टारगेट कप। एलिजिबल कपल प्लस टू लाइफ सेट, अगर एक टारगेट कपल कौन होगा जो एलिजिबल कपल है उसके बाद भी उसका दो लाइफ चाइल्ड है उसको बोलेंगे हम टारगेट कपल। और एलिजिबल कपल कौन सा एज क्या है, 15 to 49 ईयर्स का जो होता है वो होता है एलिजिबल कपल। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फर्स्ट है टेम्पोररी, इमरजेंसी, परमानेंट। टेम्पोररी का भी 4 टाइप्स है, नेचुरल, बेहियर, हॉर्मोनल, आईयूसीडी और परमानेंट टाइप से टेम्पोररी का जो टाइप से वो है नेचुरल, बेहियर, हॉर्मोनल और आईयूसीडी। उसके बाद नेचुरल का भी टाइप से वो हम लोग देखेंगे, 6 टाइप्स है। सर्वाइकल, म्यूकस, बेसल, बॉडी, ब्रिजिंग, कोइटस, इंटररेक्टस, लैक्टेशन एमोनिया और जो जो है कैलेंडर मंथ हाथ हो गया आपका नेचुरल मंथ, मतलब कोई भी चीज नेचुरल मतलब क्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट ना यूज करके कुछ टेक्निक यूज करके वो फॉलो होता है। सर्वाइकल म्यूकस मतलब बैरियर बसल बॉडी टेम्परेचर मतलब कोइटस इंटररप्टस लैक्टेशन एमोनिया एंड कैलेंडर मतलब उसके बाद है एफटीएम। फर्स्ट है सर्वाइकल म्यूकस,
म्यूकस मेथड। सर्वाइकल म्यूकस मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन क्या होता है ना, सर्वाइकल म्यूकस थिन होता है एंड वाटर इज स्लिपी होता है, उस टाइम आपको क्या करना है ना, इंटरकोर्स अवॉइड करना है तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, वो होता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। और एक है जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है, मॉर्निंग के टाइम 0.3 टू 0.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है, वो आपको मेजर करना है, उस टाइम ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम आपको अवॉइड करना है इंटरकोर्स, ठीक है, उससे प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सकता है। और एक है कोइटस इंटररप्टस, ड्यूरिंग कोइटल एक्ट इजेक्टेशन के टाइम आपको क्या है ना, विथड्रॉल करना है, एक विथड्रॉल मेथड है, उस टाइम आपको विथड्रॉल करने से क्या होगा ना, स्पर्म वजाइना के अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा ना, प्रेगनेंसी नहीं होगा, एक विथड्रॉल मेथड है। उसके बाद है लैक्टेशन एमुनेजी, जो मदर लैक्टेटिंग मदर है वो 6 मंथ तक क्या होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, उस टाइम आप इंटरकोर्स करने से प्रेग्नेंट नहीं होगा, एक नेचुरल मेथड के अंदर। और एक कैलेंडर मेथड है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 डेज में ओव्यूलेशन होता है उससे 3 दिन पहले एंड 3 दिन बाद क्या करना है, इंटरकोर्स अवॉइड करना है, तो कैलेंडर मेथड इस मेथड यूज करने से आपको क्या होगा ना, 11 टू 17 डेज अवॉइड करने से इंटरकोर्स प्रेग्नेंट नहीं होगी, ये एक कैलेंडर मेथड है। और एक इसका नाम है रिदमिंग मेथड। और है टोटल एब्स्टिनेंस, टोटली इंटरकोर्स नहीं करने से प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो ये 100% मेथड जो प्रिवेंट करता है प्रेग्नेंसी, ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा। नेचुरल मेथड स्थिति के बाद हम बात करेंगे। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड के तीन टाइप्स है, फिजिकल, केमिकल और एक कॉम्बाइन। फिजिकल के अंदर है मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम, जो मेल कॉन्डम है उसमें वन रिंग होता है और फीमेल कॉन्डम में टू रिंग्स होता है, और ये रीयूजेबल है, ये वन टाइम यूज होता है, और ये लैटेक्स से बना होता है, जो मेल कॉन्डम है लैटेक्स से बना होता है। ये हो गया आपका फिजिकल मेथड, ये बैरियर मेथड के अंदर। केमिकल मेथड में क्या यूज होता है, जो आपको हो गया क्रीम और एरोसोल, एक होता है क्या, जो स्पर्मिसाइड है, जो इंटरकोर्स से पहले वजाइना के अंदर डालेंगे तो स्पर्म जाने से वो किल कर देगा, ये हो गया आपका केमिकल मेथड। और कॉम्बाइन मेथड, इसका टू टाइप्स है, एक होता है वजाइनल स्पॉन्ज और एक होता है डायफ्राम, जो होता है सर्वाइकल कैप। इसको बोला जाता है टू टेक कॉन्ट्रासेप्टिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार पूछा गया है एग्जाम में, टुडे कॉन्डम क्यों बोला जाता है, ये डालने के बाद 24 आवर्स के अंदर निकलना पड़ता है, नहीं तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है। और डायफ्राम जो उसके अंदर है सर्वाइकल कैप मेथड, इसका कितना एमएल कंटेंट कर सकता है, 5 एमएल, ये सर्विक्स के अंदर इंटरकोर्स करने के पहले डाला जाता है, जो स्पर्म को जाने से रोकता है। आप लोगों को
नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पार्ट टू में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।